हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग तरीके की रेसिपी बनाने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कभी कभी घर में बनाने के लिए कोई भी सब्ज़ी नहीं होती तो सोच में पड़ जाते आज क्या बनाऊँ और क्या नहीं बनाऊँ, तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाकर ट्राई करके देखिए। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चले, आप सबका स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। अब हमें इसमें डालना है खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 2 दालचीनी का टुकड़ा। अब हमें इसमें डालना है 1.5 चम्मच के करीब जीरा। अब हमें इसको अच्छे से गर्म करके लेना है। ये देखिए, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है प्याज। प्याज को मैंने यहाँ पर काट के अच्छे से इसको फ्राई करना है। ये देखिए, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई करके लेना है। इसके बाद हमें इसमें डालना है, अब हमें यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को काट के इसको अच्छे से फ्राई करके लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, तब तक इसको फ्राई करना है। ये जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने से प्याज और टमाटर जल्दी से फ्राई भी हो जाते और जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाते, इसीलिए हमें थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी होता है। ये देखिए, अच्छे से यहाँ पर मैंने इसको फ्राई किया है 2 से 3 मिनट के लिए। ये अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हमें इसको पेस्ट बना कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर इसको मिक्सर जार में निकाल के लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे प्याज और टमाटर को मिक्सर जार में निकाल के लिया है। अब हमें इसका अच्छे से पेस्ट बना कर लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसका अच्छे से पेस्ट बना कर लिया है। अब हमें गैस को ऑन करके उसी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून के करीब तेल डालना है। अब हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच के करीब सरसों, 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर का प्यूरी बना कर लिया था, इसको मैं इस ऑयल में डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। जब तक ये इसका तेल नहीं छूट जाता तब तक इसको अच्छे से भून के लेना है। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करके लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो घर में दूध की मलाई होती है, इस मलाई को मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। आपके पास क्रीम है तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमें इसके ऊपर तेल छूटने लगेगा। उसके बाद हमें इसमें डालना है 1.5 कप के करीब पानी। अब मैंने उसी मसाले जार में जो बचा हुआ मसाला था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब पानी डाला है। इसको अच्छे से हम मिक्स करके लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में कट करके लिया है। अब हमें इसमें प्याज डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को काट के लिया है। इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है प्याज और टमाटर ही है। कभी कभी घर में कुछ भी नहीं होता तब हमारे घर में प्याज और टमाटर ज़रूर होता है, तो इस तरह से आप इस सब्जी को ज़रूर बना सकते हैं। अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच के करीब नमक। अब हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच गरम मसाला और इसको अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करके लिया है। अब हमें इसको 5 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए रखना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें जो प्याज और टमाटर डाला है ये बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हमें इसको अच्छे से 5 मिनट तक पकाना है। ये देख सकते हैं, ऊपर से ऑयल छूटने लगा है। अब हमें इस स्टेज पे गैस को ऑफ करके इसके ऊपर से हमें हरी धनिया की पत्ती को डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये देखिए, आपके घर में कभी कभी कुछ भी नहीं होता उस समय आप इस तरह से प्याज और टमाटर की सब्जी एक बार ज़रूर बना कर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये सब्ज़ी कैसी बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।